प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रचालक की सहायता से पहाड़ा लिखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे देखिए नौ संख्या नौ है, आठ है, सात है, अठारह, उन्नीस, सत्रह, इसका हम लोग पहाड़ा लिखे। तो इसका प्रचालक ग्यारह है। अब आप सोचेंगे क्यों ग्यारह, ये ग्यारह क्यों आ रहा है, तो इसको आप यहाँ समझिए। इसका मतलब है दस में एक कम होता है, क्या होता है, नौ होता है ना, तो दस में एक कम को हम किस तरह लिखते हैं, ये एक कम बता रहा है, यानी इसका प्रचालक ग्यारह है। इसी तरह ये देखिए दस में दो कम, यानी दो कम है तो ये हम बारह की तरह लिखेंगे, लेकिन इसके लिए बता रहा है कि दस में दो कम है। इसी क्रम में देखिए ये भी, ये दस में यहाँ पर आप आएंगे ये तीन कम, सात के बारह, वही यहाँ पर तेरह हो जाएगा। फिर अठारह में आगे बीस में दो कम, यानी यहाँ ये लिखा है बाईस, लेकिन इसको हम कहेंगे बीस से दो कम है। फिर उन्नीस में बीस से एक कम, यानी बीस से एक कम, यानी उन्नीस। तो ये प्रचालक विधि, इसी विधि से हम लोग अभी इस पहाड़े को करेंगे। इसका एक और नियम है, इसे ऋणात्मक भी कहते हैं। ये प्रचारक निकालने के लिए आप चाहें तो इसका एक एकाधिकेन कर देंगे, दहाई का एकाधिकेन कर देंगे। और जब एकाधिकेन करते हैं तो यहाँ पर यही, अब इसके लिए एक परमित्र को लिखते हैं, नौ का परमित्र एक है, और इसका एकाधिक कर देंगे तो ये ग्यारह हो जाएगा। फिर दो का परमित्र, आठ का परमित्र दो है, और इसका एकाधिक कर देंगे तो ये एक, यानी बारह। इस विधि से इसको किया जाता है। तो चलिए हम कुछ सामान्य विधि से इसको कर रहे हैं। यहाँ देखिए आठ का पहाड़ा प्रचालक के प्रयोग, प्रचालक है बारह, इसका प्रचालक बारह है, यानी दस में दो का। यहाँ लिखेंगे संख्या आठ, अब इसमें हम दो कम करते जा रहे हैं, आठ से दो कम होता है छह, छह से दो कम चार, चार से दो कम दो, और दो से दो कम करेंगे तो ये हम जगह सुनते हैं जीरो। और ये कह रहा है कि एक जोड़ के जाए, यहाँ धन करना है, एक जोड़ना है, जीरो में एक जोड़े तो एक, फिर दो, एक में दो जोड़े एक, में एक जोड़े तो दो, फिर दो में एक जोड़े तो तीन, तीन में एक जोड़े तो चार, इस तरह हम जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये जीरो है, जीरो में से दो घटेगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा, यहाँ जरा दस, दस में से दो गया आठ, आठ में से दो गया छह, छह में से दो गया चार, चार में से दो गया दो, और फिर जीरो। सुनो, और ये यहाँ हासिल दिया है, इसलिए यहाँ रहेगा तीन, तीन में एक आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा चार, चार में एक जोड़े तो पांच, पांच में छह, छह में सात, सात में ग्यारह। देखिए ये हमारा आठ का पहाड़ा, आठ का पहाड़ा बन गया। प्रचालक है यहाँ बारह, इसी प्रचालक से हमें इस पहाड़े को लिखा है। अब इसी तरह हम नौ का भी पहाड़ा प्रचालक के प्रयोग से लिखेंगे। देखिए इसका प्रचालक है ग्यारह, ग्यारह यानी दस से कम, ये बहुत ही आसान, सबसे आसान पहाड़ा है ये ग्यारह, बस उतारें से एक एक कम करें, आप सीधे से एक एक कम करते जाइए। ये हमने एक एक कम कर दिया, और ये कह रहा है एक एक को जोड़िए, यानी जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक, फिर दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। ये देखिए हमारा ये नौ का पहाड़ा बन गया। यहाँ हमने प्रचालक का प्रयोग किया था ग्यारह, यानी दस में कम, और यही प्रचालक हमारे यहाँ पहाड़े को पूरा कर देता है, यानी नौ का प्रचालक ग्यारह है और आठ का प्रचालक बारह है। इसी तरह हम और भी पहाड़ा लिख सकते हैं प्रचालक की सहायता से। इसी क्रम में अठारह का पहाड़ा, इसका प्रचालक है बाईस, यानी बीस में दो कम। अब यहाँ अठारह लिखेंगे, अब इस अठारह में से इकाई 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 में से दो दो कम करेंगे, आठ में से दो गया छह कम, छह के छह में से दो गया चार, चार में से दो गया जीरो, दो और दो में से दो गया यहाँ जीरो। और ये कह रहा है दो दो को जोड़िए, एक में दो जोड़े तो हो गया तीन, तीन में दो जोड़े पांच, पांच में दो जोड़े सात, सात में दो जोड़े नौ, यहाँ हो गया नौ। अब फिर ये इससे हासिल लेगा, यहाँ हो जाएगा दस, दस में से दो गया आठ,
आठ में से दो गया छह, छह में से दो गया चार, चार में से दो गया दो और ये जीरो। अब यहाँ ये हाथ में गया तो यहाँ बचा आठ, आठ में हम दो जोड़ते हैं दो जाता है दस, दस में दो जोड़ते हैं तो बारह, बारह में दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा चौदह, और चौदह में दो जोड़ेंगे सोलह, और ये हमारा अठारह का पारा तैयार हो गया। इसी क्रम में हम उन्नीस का पारा, ये भी बहुत आसान है, यहाँ हम लिखेंगे उन्नीस, इसका प्रचालक है बीस में एक कम यानी इक्कीस, एक एक यहाँ आप किस से कम करिए, इकाई में से हम एक एक कम करते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है और ये कह रहा है कि दो को इसमें जोड़ते जाए, एक में दो जोड़े, तीन तीन में दो पांच, सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस, ये देखिए हमारा उन्नीस का पारा एक प्रचालक हिसाब का संबंध। इसी तरह ये हम उन्तीस का भी पहाड़ा बना लेंगे, उन्तीस का पहाड़ा भी किसी भी अंक का हम पहाड़ा स्तर बना सकते हैं, यहाँ पर हम इकाई में से एक एक कम करते फटाफट। अब यहाँ दहाई में हम तीन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा पांच, पांच में तीन जोड़े आठ, आठ में तीन जोड़े ग्यारह, ग्यारह में तीन जोड़े हो गया चौदह, चौदह में तीन तो सत्रह, सत्रह में तीन जोड़े बीस, और फिर ये इसी तरह तेईस, तेईस के बाद ये हो गया छब्बीस, और छब्बीस के बाद ये उनतीस, यानी ये हमारा उनतीस का पहाड़ा इक्कीस प्रचालक की सहायता से बन गया। आप चाहे तो इसी तरह हर अंक का प्रचालक की सहायता से पहाड़ा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसे आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।